वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस फुल बिल्डिंग का टूर दिखाने वाला हूँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर में जो 2500 स्क्वायर फुट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 5 BHK बनाने का। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ड्राइंग रूम और यहाँ पे एक लेटरिंग, मतलब लेटरिंग बाथरूम एक साथ, मतलब थोड़ा बड़ा साइज का होगा। यहाँ पे इंडियन वाला होगा और मैं आगे जाके दिख रहा हूँ, मतलब ड्राइंग रूम है। यहाँ पे बनेगा किचन, मतलब किचन भी बड़ा होगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं ईट, तो यहाँ पे जो ईट देख रहे हैं यहाँ से होगा स्टार्ट 8 फुट वहाँ तक, और यहाँ तक बड़ा आएगा किचन, और बाहर में होगा और उस बाहर में होगा बेलकोनी, मतलब यहाँ पे वॉशिंग मशीन एक होगा और बाकी बेलकोनी, और यहाँ तक रूम आ जाएगा। रूम मतलब यहाँ तक आएगा, यहाँ पे क्लोज होगा और यहाँ पे पूरा रूम, और आ जाएगा यहाँ पे एक लेटरिन और बाथरूम अटैच, यहाँ तक आएगा शायद। और यहाँ पे मैं क्लोज करवा दूंगा, मतलब पूरा, मतलब यहाँ तक मैं पूरा क्लोज करवा दूंगा, क्योंकि मैं रूम का अंडर, क्योंकि रूम का अंडर मुझे नहीं चाहिए और मुझे ये रूम मिला। सो एक प्रॉब्लम है कि बाथरूम में चाहता था वहाँ देने के लिए बाहर साइड, मतलब कुछ रूल है, मतलब वास्तु शास्तु बोलते हैं उसके लिए, पूरा मैप का माँ बहन एक हो जाता है, तो उसके लिए मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वहाँ पे देने से रूम का अंडर बीम नहीं आता था, अभी देखिए रूम का अंडर बीम आ जाता है, तो उसके लिए फिर से फॉल सीलिंग का एक्स्ट्रा खर्चा, वो भी बेकार लगता है मुझे, क्योंकि बेकार खर्चा है। और यहाँ पे अभी काम नहीं हुआ, मैं अभी अंडर जाके दिखा रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे एक रूम होगा, यहाँ पे एक रूम होगा, देखिए यहाँ तक और कॉरिडोर होगा थोड़ा सा, क्योंकि रूम में प्राइवेसी चाहिए। सो यहाँ से एक रूम, ये रूम पूरा होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा शायद, ये बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो ये स्टोर रूम होगा। सो और यहाँ पे पूजा करने के लिए छोटा सा ये रूम से होगा काम, और यहाँ पे विंडो, ये रूम का साइज अराउंड होगा यहाँ से 11 फुट, और यहाँ से लेके 13-14 जैसा कुछ है, 14 है यहाँ पे फुल। और ये रूम का साइज यहाँ पे है 11, और यहाँ तक 10 आ जाता है 10 फुट। सो ये वाला रूम में लेने वाला था, मतलब मेरा भाई को चाहिए, इसलिए मुझे पहले वाला रूम लेना पड़ा। मुझे चाहिए स्टूडियो पर्पस के लिए, तो मुझे प्राइवेसी चाहिए, एक ही दरवाज़ा एक ही खिड़की, कोई अंदर से आना नहीं चाहिए, कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, तो यही है। और बाकी मैं दिखाना भूल गया, यहाँ से और एक दरवाज़ा है, यहाँ से मतलब अगर यहाँ पे देख लीजिए, ये दरवाज़ा है यहाँ से, मतलब अगर फुल काउंट करो तो 5 BHK होगा ये। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये मेनली अभी रेंट के लिए होगा, और बाद में अगर चाहिए रेंट वालों को 4-5 साल बाद। यहाँ पे एक बेडरूम होगा, यहाँ पे और एक बेडरूम, और यहाँ पे होगा बाथरूम, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम, यहाँ पे किचन और वो खिड़की है। सो दो बेडरूम है और बाहर बेलकोनी, यहाँ पे खिड़की का डिज़ाइन देख लीजिए आउटडोर। सो यहाँ पे मैं ऐसा डिज़ाइन करा, ऐसे ऐसे करके यू टाइप का, और थोड़ा डाउन होगा। अगर लॉक अच्छा हुआ तो ऊपर एसी का मशीन रख सकते हैं, और हाइट अराउंड 11 फुट है यहाँ पे। और सीढ़ी देख लीजिए, ये मतलब 3 लैंडिंग स्टेयर कैसे ओपन वेल बोलते हैं इसको, ये यूज मत कीजिए, इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एरिया पे मेरा पापा को 2 फ्लोर तक परमिशन मिला, तो लिफ्ट लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपका बिल्डिंग 2 फ्लोर पे है, एक्स्ट्रा झमेला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक का खर्चा, तो उसको लेके फ़ायदा नहीं है, आप नॉर्मल डॉग लेग स्टेयर केस बना दीजिए। सो छत पे जाके मैं दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे तो अभी करेंटली खाली रहेगा, मतलब पूरा खाली। सो यहाँ पे अभी पूरा खाली है, यहाँ पे और एक दे दिया, मतलब और एक छत उठेगा इसका ऊपर, फिर ख़त्म हो जाएगा, और परमिशन नहीं है बनाने का छत, मतलब 3 छत टोटल देता है परमिशन। सो गाइस, मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए।